हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, जिसमें हम कंट्री के बेस पर स्टेट को और सिटी को सर्च करेंगे। तो ये कैसे होगा, इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं, हमने एक टेबल सिटी बनाया है। ये देख लीजिए, इसमें सिटी टाइप की है हमने और यहाँ पर स्टेट टाइप किया है। तो इसमें ह्यूस्टन अमेरिका का स्टेट है, टोक्यो जापान का स्टेट है, और देवरिया, फिर यूपी, ये सब सिटीज और स्टेट इंडिया के हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर टेबल कॉन्टैक्ट लिस्ट, इसमें सारी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट आईडी है, कॉन्टैक्ट नेम है, कंट्री है, स्टेट है और सिटी है। फिर यहाँ पर कंट्री है, जिसमें सिर्फ तीन कंट्रीज हमने टाइप की हैं, इंडिया, जापान और अमेरिका। इन्हीं तीनों के रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन सिटी और ये स्टेट, एक टेबल और भी है, ठीक है, इसमें भी बनाया है हमने। और इसमें स्टेट जो है, तीन स्टेट है, एक टेक्सस है जो कि अमेरिका का स्टेट है, एक टोक्यो है और एक यूपी है। ठीक है, तो ये तीन स्टेट हमने लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे अब बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और अब ये जो हमने बनाया है, इसको डिजाइन व्यू पे लेकर के स्टेट वाली जो टेबल है, टीबी स्टेट, यहां से आकर के और यहां से लुकअप विजार्ड पे लेकर के और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर इसको कंट्री में सेव करूंगा। ये जो कंट्री है इसमें मैं इसे डाल दूंगा और स्टेट, फिर यहां से ये कंट्री चूज करके फिर यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट और फिर फिनिश। ओके, फिर इसी तरह से टेबल सिटी में आ जाएंगे। तो ये टेबल सिटी, इसको डिजाइन व्यू पे ले लिया और ये स्टेट है जो फील्ड, इसको लेंगे और ये लुकअप विजार्ड पे आएंगे, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके और टेबल स्टेट के साथ इसको रिलेशनशिप क्रिएट कराना है तो यहाँ से स्टेट ले लेंगे और ये नेक्स्ट 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 और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है, से डेटाबेस टूल पर जाकर रिलेशनशिप पे जाएंगे तो ये इस तरह से रिलेशनशिप हमारा क्रिएट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, से क्रिएट पे चल के फॉर्म डिजाइन पे जाके और फॉर्म को डिजाइन कर लेना आपको। ठीक है, ये फॉर्म डिजाइन है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। अब एग्जिस्टिंग लिस्ट के मदद से हम यहाँ पे सारी चीजें ले लेंगे जो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम से जो टेबल बनाया था, इसमें सारी चीजें, जैसे कॉन्टैक्ट आईडी चाहिए और कॉन्टैक्ट नेम चाहिए। और अब इसको भी ले लेते हैं, फिर डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके पीछे रीजन है, ये स्टेट और ये सिटी, ये सब ले लिया हमने और ये हटा दिया इसको। ठीक है, इसको हटा दिया और कंट्री हम यहाँ से लेंगे, ये जो है यहाँ से लुकअप विजार्ड, यहां से कॉम्बो बॉक्स पिक करके और फिर यहां से कंट्री हम लेंगे। यहां पे नेक्स्ट, यहां से टेबल कंट्री पिक कर लीजिए और फिर यहां पे ये कंट्री ले लीजिए, फिर यहां पर आइए, यहां पर आइए और फिर एट लास्ट इस पे क्लिक करके और यहां से कंट्री के अंदर इसको स्टोर कर लीजिए। यहां पर इसको नाम दे दीजिए, कंट्री कंट्री है ये, एंटर प्रेस करेंगे ये हो जाएगा। इसको थोड़ा साइज में लेके आएंगे, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो फील्ड है कंट्री, इसको एक नाम हम दे देंगे यहां से प्रॉपर्टी शीट पे चल के और अदर में जा करके यहां पर हम दे देंगे कंट्री लिस्ट, ये दे दिया कंट्री लिस्ट। ओके, और अब बाहर क्लिक करके फिर इसको क्लोज करना है। ठीक है, सेव कर देते हैं ये जो फॉर्म हमने बनाया, इसको यहां से, ये जो फॉर्म हमने बनाया इसको सेव कर देते हैं फॉर्म कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम से। ठीक है, एंटर प्रेस किया तो ये सेव हो गया फॉर्म। अब एक क्वेरी बनानी है तो टेबल स्टेट पे क्लिक रख के और हमें यहाँ जाना है, क्रिएट पे आ जाना है और क्वेरी विजार्ड पे आना है। ये क्वेरी विजार्ड पे आ गए हम, यहाँ पे सिंपल क्वेरी विजार्ड ही चूज करिएगा और फिर यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे हम, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको एक नाम देना है, क्योंकि ये स्टेट वाली टेबल है तो Q और Y स्टेट कर देते हैं और यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करके और यहाँ फिनिश करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पे फॉर्म्स ये दे देना है, दे दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है और ये आएगा कहाँ से, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट नाम का जो फॉर्म हमने बनाया वहां से आएगा और कंट्री आएगी तो यहाँ पर कंट्री लिस्ट हमने दिया था नाम, तो COUNTRY कंट्री लिस्ट इसमें आ जाएगा, शो हो रहा है देखिए।
तो ये कंट्री लिस्ट हमने ले लिया और इसको अब सेव कर देंगे यहां से, ये सेव कर दिया हमने और यहां से इसको क्लोज कर देंगे। यहां से डिजाइन पे जाके कॉम्बो बॉक्स पिक करना है, यहां से ये कॉम्बो बॉक्स पिक किया हमने, यहां पर इसे ड्रैग करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा। यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, इस बार क्वेरी की जरूरत है तो यहां से नेक्स्ट, और मैं सिर्फ स्टेट की जरूरत है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसको स्टोर करा लेंगे स्टेट वाली फील्ड में। और इसको एक नाम भी हमें देना होगा, लेकिन ये स्टेट है तो यहां पर अच्छा होगा कि स्टेट ही नाम दे दिया जाए। एंटर प्रेस करेंगे, ये हो गया। वही काम जो यहां पे हमने किया था, यहां पर आपको याद होगा कि यहां प्रॉपर्टी शीट में हमने कंट्री लिस्ट दिया था, यहां पे स्टेट लिस्ट दे देते हैं। यहां पे चल करके और ये प्रॉपर्टी शीट में अदर में इसको कह देता हूं मैं स्टेट लिस्ट, ठीक है, वहां कंट्री लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट कर दिया। आप चाहे तो सेम नाम भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अब यहां से इसको क्लोज कर दीजिए और फिर क्वेरी बनानी हमें तो टेबल सिटी पर क्लिक करके क्रिएट पर जा करके क्वेरी विजार्ड पे जा करके फिर यहां से ओके प्रेस करूंगा और ये सिटी आ जाएगी। तो हमको चूंकि इस बार हमें दोनों की जरूरत है तो ये दोनों ले लिया हमने, यहां से नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर मॉडिफाई डिजाइन पे जा करके और इसको QRY सिटी कर देते हैं, एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर वापस से वही चीज फॉर्म्स, ये फॉर्म आ गया, ठीक है, और कहां से आएगा ये फॉर्म कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये भी आ गया। और फिर यहां पर एक्सक्लेमेशन लगा दीजिए, और अभी कंट्री लिस्ट की बात की थी, अब स्टेट लिस्ट की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये स्टेट लिस्ट ले लिया हमने और यहां से सेव करके और यहां से इस पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब वापस से कॉम्बो बॉक्स है, यहां से डिजाइन पे जा करके और फिर यहां पर ये ड्रैग करवा दिया हमने, ठीक है। और ये ड्रैग करवाने के बाद यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर ये चूंकि हमें क्वेरी बनानी थी और ये सिटी वाली क्वेरी है हमारी, और इस बार सिटी ले लेते हैं हम, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए इसको स्टोर करा लेंगे सिटी वाले टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहां पे सिटी दे देंगे नाम, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये यहां पे सिटी का भी हो गया, ठीक है। सेम नाम यूज कर लीजिए, यहां पर प्रॉपर्टी शीट में देखिए इसका नाम है कॉम्बो 9। आप चाहे तो सेम नाम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं सिटी लिस्ट कर देता हूं, सिटी लिस्ट, ठीक है। ये कर दिया हमने और यहां से अब इसको क्लोज करूंगा और यहां से क्लिक करिए तो ये इस तरीके से आएगा आपके सामने। यहां पर अगर मैं अमेरिका चूज कर लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां टेक्सास आ रहा है, यानी अमेरिका का स्टेट आ रहा है, और फिर यहां पर हॉस्टन आ रहा है, यानी अमेरिका की ही सिटी आ रही है, ठीक है। अगर मैं इंडिया चूज कर लेता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इंडिया चूज करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी भी टेक्सास आ रहा है, लेकिन यहां पर रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करिए और फिर यहां इंडिया चूज करिए, अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, यूपी आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है, ठीक है। अब ये अपने आप अपडेट होता रहे इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा VBA कोड लिखना होगा। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। डेटा अपडेट होता रहे इसके लिए पहले तो इस फॉर्म को मैं डिजाइन व्यू पे ले लेता हूं, फिर कंट्री को चूज करके फिर प्रॉपर्टी शीट पे चला जाता हूं और अब इस पे क्लिक करिए। आप ये जो इवेंट दिखाई दे रहा है ना, इस पे क्लिक कर दीजिए और फिर ये आफ्टर अपडेट दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके ये जो 3 डॉट्स है इन पे क्लिक कर दीजिए तो यहां से कोड बिल्डर आपको दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके और बस आपको ओके प्रेस करना है, ये ओपन हो जाएगा, इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा। इस पे आ जाइए और यहां पर ये आपको लिखना है, ये कोड आपको लिखना है, यहां पर आपको देना है मी डॉट कंट्री लिस्ट, यहां पे कंट्री लिस्ट आपको मिल जाएगी, ये कंट्री लिस्ट जो नाम हमने दिया था मी डॉट कंट्री लिस्ट डॉट रिक्वेरी कर दीजिए, ये रिक्वेरी यहां पे आ जाएगी, ये हो गया, ठीक है। अब सिटी लिस्ट, यहां पे आप सिटी लिस्ट आएगी तो ये सिटी लिस्ट हो गया, ठीक है। और क्लोज कर दीजिए यहां से, अब सिटी पर क्लिक करके और फिर वापस वही कोड बिल्डर पे आना है, कंट्री लिस्ट
ये ले लिया डॉट रीक्वेरी कर दीजिए, ये रीक्वेरी आ गया। दीजिए मी डॉट स्टेट लिस्ट डॉट रीक्वेरी कर दीजिए, ये हो गया। ये अब इसको सेव कर दीजिए, यहां से इसको क्लोज कर दीजिए और यहां से अब यहां आ जाइए। अब यहां पर जब आप इंडिया पिक करेंगे तो सिर्फ आपको इंडिया और अमेरिका पिक करेंगे तो सिर्फ आपको अमेरिका के ही स्टेट और कंट्रीज दिखाई पड़ेंगे। यहां पे देख सकते हैं, अगर यहां पे मैं जापान चूज करता हूं तो क्या होगा, यहां पे देख सकते हैं टोक्यो आ रहा है, ठीक है, यहां पे टोक्यो